कांग्रेस में इस्तीफों का दौर हुआ शुरू। दीपिका पांडे सिंह ने उत्तराखंड की सह प्रभारी पद से दिया इस्तीफा, मचा हड़कंप। जी हां, आपको बताया चले कि कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सह उत्तराखंड की प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। रविवार की सुबह उन्होंने इससे संबंधित ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड की सह प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा देती हूँ। उन्होंने इसके साथ ही पार्टी नेतृत्व को इस राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद देते हुए लिखा कि इससे मुझे राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में पार्टी की हार के बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बड़े पैमाने पर वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे आलाकमान तक पहुंचेंगे। झारखंड से जिम्मेदारी संभाल रही दीपिका सिंह ने यह निर्णय लेकर कयासों को सही साबित कर दिया है। इधर उन्होंने कोल्हन प्रमंडल में राहुल और सोनिया गांधी के नेतृत्व को स्वीकारने से संबंधित सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों की जानकारी भी ट्वीट के माध्यम से की है। बता दें कि जिस तरह से 10 मार्च के दिन उत्तराखंड कांग्रेस के लिए काफी बुरा दिन रहा, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस को करारी हार मिली, वहीं भाजपा की उत्तराखंड में दोबारा से सरकार बनी। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार एक के बाद एक इस्तीफे होते जा रहे, जिसके बाद से कांग्रेसियों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।